मॉर्निंग बच्चों, आज के हम अकाउंट्स के वीडियो में पास एडजस्टमेंट के आगे के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 43 है, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा डिफरेंट टाइप का जो मैंने पहले करा चुकी हूँ उससे। इसमें दिया अंजू, मंजू और ममता, ये तीन पार्टनर हैं। ठीक है, कौन है? अंजू, मंजू, ममता, ये तीन पार्टनर हैं। उनकी कैपिटल अंजू की कितनी है? 10,000। मंजू की कितनी है? 8,000। और ममता की कितनी है? 6,000 है। ठीक है, और एज़ पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। एग्रीमेंट के हिसाब से, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज किया जाएगा? 5% पर एनम। बट एंट्रीज फॉर द सेम हैव नॉट बीन मेड। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा लगाना था, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड करते ना अपन, ठीक है, एंट्रीज में। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, 8,000, 6,000 पर 5% लगाना था, क्रेडिटेड करना था, वो नहीं किया गया। उनने उल्टा उसके बदले क्या कर दिया उनने, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया, ये 3 ईयर्स के हिसाब से, 3 ईयर्स के रेशियो के हिसाब से बांट दिए। ठीक है, ये 2004, 2005, 2006 का, 2004 का दिया ना अंजू, मंजू, ममता का, 4:3:5, 3:2:1 और 1:1:1 के हिसाब से बांट दिया है। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। समझ में आया? अंजू, मंजू, ममता तीन पार्टनर हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगाना था। उनने ये ना करके उनने क्या कर दिया, ये रेशियो में बांट दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखिए हम सॉल्यूशन। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया था तो लगा देंगे हम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है? डेबिट साइड। तो एंट्री में कहाँ होगा? क्रेडिट साइड। ठीक है, तो अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर लास्ट 3 ईयर्स, हमको 3 साल का जो गड़बड़ कर दिया था, वो मतलब क्रेडिटेड नहीं किया था, किसकी 5% क्रेडिटेड नहीं किया था, हम 5% क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमको अंजू का कितना दिया है इंटरेस्ट कैपिटल, कितनी थी? 10,000, मंजू की 8,000 और 6,000, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 10,000 का 5/100 किया तो 500 आ गया, और इस क्वेश्चन में 3 ईयर्स की बात कर रहे हैं ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 500, तो कितना हो गया, 3 साल का, 1 साल का इंटरेस्ट 500 है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 1,500। ऐसी मंजू की कैपिटल कितनी दी थी क्वेश्चन में? 8,000। 8,000 का 5% निकाला, 400 वन ईयर का आ गया, तो 3 ईयर्स का निकालना है हमको, 3 ईयर्स का गड़बड़ हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 × 400 कर दिया, तो 1,200 आ गया। ऐसे ही ममता की कैपिटल 6,000 है, 6,000 का 5% निकालेंगे, 5/100 किया तो कितना है? 300। अब ये 3 साल का है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल आ गया 900। समझ में आया? अंजू का 3 ईयर्स का इंटरेस्ट इतना डालना था, इतना क्रेडिटेड करना था, 1,500। मंजू का 1,200 क्रेडिट करना था और ममता का 900। कितना? 1,500, 1,200, 1,200 और 900 क्रेडिट करना था, जो कि नहीं किया, उसके बदले रेशियो में बांट दिया, कुछ गलत कर दिया। ठीक है, 1,500, 1,200 जो क्रेडिट नहीं किया था, तो हम सबसे पहले उसको क्या कर देंगे, 1,500, 1,200, 900 इनको क्रेडिट कर देंगे और इनका टोटल लगा देंगे। ठीक है, उसका क्या कर देंगे हम, टोटल लगा देंगे, 3,600 आ जाएगा। आगे समझ में? अब अमाउंट विच शुड हैव बीन, जो हमने क्या कर दिया था, ये गड़बड़ कर दिए थे ना, इस रेशियो में बांट दिया था, क्रेडिट कर दिया था, तो जो क्रेडिट कर दिया है तो उसको हम पलटते हैं ना। ठीक है, गड़बड़ जो भी गड़बड़ी होती है, अगर क्रेडिट कर देते तो हम उसकी रिवर्स एंट्री कर देते, तो क्या कर देते हैं, क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे जो गड़बड़ किया है। अब ये जो तीनों के जो अमाउंट है, ठीक है, कितने से डेबिट करेंगे, तो अंजू, मंजू और ममता, इनका एक एक साल का कितना है, 1 साल का इंटरेस्ट कितना था, 500। मंजू का 1 साल का इंटरेस्ट कितना था, 400, और ममता का कितना था, 300। अंजू मंजू ममता का जो इंटरेस्ट 1 साल का कितना था, 1,200। ठीक है, ये 1,200 को जो गलती की, हम देखें किस तरीके से गलती की है, ये 1,200 लिखना था। ठीक है, 1,200 ये साल भर का तीनों का इंटरेस्ट था, तो इनने किस रेशियो में बांट दिया, 4:1 फर्स्ट ईयर में कितना, 4:3:5 में बांट दिया।
तो ये 1200 को सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल 4:3:5 इनको जोड़ देंगे, 12 आ जाएगा, इस रेशियो में बांट देंगे। देखिए 1200 4 अपॉन 12 कर दिया, 400 आ गया, 1200 इंटू 3 अपॉन 12 किया 300 आ गया, 1200 इंटू 5 अपॉन 12 किया तो 500 आ गया, और इन सबको टोटल करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 1200 के बराबर। अब अगेन ये 1200 को नेक्स्ट ईयर किस रेशियो में बांटा गया था, 3:2:1 के हिसाब से, ठीक है। तो 3:2:1 के हिसाब से बांट देंगे हम इसको, ठीक है। तो 1200 को अगेन 3 अपॉन 6 किया 600 आया, 1200 2 अपॉन 6 किया 400 आ गया, 1200 को 1 अपॉन 6 किया 200 आया, इन सबको प्लस करेंगे 1200 आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है, ठीक है। फिर 1200 को अगेन हम थर्ड ईयर किस रेशियो में बांटा, 1:1:1, ये 1:1:1, ठीक है। तो इनको प्लस किया तो 3 आया, 1200 वन अपॉन 3 किया 400, 1200 वन अपॉन 3 किया 400 ऐसे ही आ गया, और इन सबको जोड़ेंगे तो 1200 आएगा। अब अंजू को टोटल कितना मिलना था इंटरेस्ट, तीनों सालों का जोड़ दिया, इतना गड़बड़ कर दिया उन्हें, इतने से क्रेडिट कर दिया, तो आपके हम कर देंगे डेबिट, ठीक है। और मंजू का 300, 400 और 400, मतलब टोटल 1100 का 3 साल में गड़बड़ किया है, ठीक है। और ममता का कितना गड़बड़ किया है, 1100 का ही, और ये टोटल करेंगे तो ये टोटल कितना आएगा, 3600 आया, जो कि हमारे इस टोटल के बराबर होना चाहिए। ये चेक करने का अच्छा तरीका है, अगर इस टोटल के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये गलत है। आ गया समझ में? अब क्या करेंगे, ये जो टोटल आया ना, ये यहाँ इतना अमाउंट क्रेडिट कर दिया था गलती से, तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिटेड कर देंगे, ठीक है। गलती को सुधारने के लिए वो अमाउंट सेम उठा के हमने ये डाल दिया, ठीक है। अब डिफरेंसिंग फिगर निकालते हैं एज यूजुअल, ठीक है। डिफरेंसिंग फिगर निकाल लिया हमने इन दोनों में से इनका, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम देखते हैं कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है ना, क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट लिख देंगे। अब इस साइड कौन सी साइड है, यहाँ पे भी क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट लिख देंगे। इस साइड कौन सी बड़ी है, डेबिट साइड, तो लिख दिया। अब देखो कौन कौन डेबिट है, अंजू और मंजू दोनों डेबिट है, सॉरी अंजू और मंजू दोनों क्रेडिट है, तो अंजू और मंजू को क्रेडिट कर देंगे, और क्या ममता क्या है, डेबिट है, तो उसको डेबिट कर देंगे उतने अमाउंट से। आ गया, फॉर अमाउंट एडजस्टेड बिटवीन द पार्टनर, ये अमाउंट एडजस्ट कर रहे हैं पार्टनर्स के बीच में। समझ में आया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में हमको ये बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया, 5% चार्ज करना था, वो नहीं लगाया गया, वो इस रेशियो के अकॉर्डिंग कर दिया है गलती से। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो नहीं किया है वो करना पड़ेगा 5%, और 3 साल गड़बड़ किया है तो हमने सबका एक एक साल का निकाल दिया था और 3 ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया था और उठा के लिख दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो गड़बड़ी की है जितने से क्रेडिट कर दिया अब उसको कट करना, उसको कैंसिल करना पड़ेगा उस गड़बड़ी को, तो हमको क्रेडिट किया है तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे। वही 1200 को जो जितने भी साल में रेशियो में बांटा गया था उसको अगेन देखेंगे कितना कितना बांटा गया था, तो वो निकालेंगे और जोड़ देंगे कि अंजू का कितना गड़बड़ हुआ, मंजू का कितना गड़बड़ हुआ और ममता का कितना गड़बड़ हुआ, वो सब टोटल करके क्या कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे, और जो बड़ा रहेगा वो साइड लिख देंगे, ठीक है। जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट कर देंगे, जो डेबिट है वो डेबिट कर देंगे। क्लियर? थैंक यू।